ओके, पहला कॉन्सेप्ट था वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला कॉन्सेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट था। जस्ट एक रिकॉलिंग है, ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। इफ यू टेक द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ओके, देन इट विल कंटेन एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप। ये सिंबल ओपन इंटरवल जैसा ही सिंबल है, लेकिन एक्चुअली ओपन इंटरवल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द ओपन इंटरवल, ओके। इट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ दिस टाइप ब्रैकेट ए कॉमा बी क्लोज द ब्रैकेट सच दैट ए इज फ्रॉम ए एंड बी इज फ्रॉम बी, ओके। दिस ए कॉमा बी इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। इट हैज अ स्पेशल नेम नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मीन्स जोड़ी, जहां पे दो रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दो है ए और बी, ठीक है। एंड ऑर्डर्ड मीन्स हैविंग अ फिक्स ऑर्डर, ओके। तो दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर बिकॉज ये एक जोड़ी बना रहे हैं और इसका एक फिक्स ऑर्डर है। और ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर ये कहता है कि ए क्रॉस बी यदि आप फाइंड कर रहे हो तो जो पहला एलिमेंट है इट विल बी फ्रॉम फर्स्ट सेट ए, जो दूसरा एलिमेंट है इट विल बी फ्रॉम सेकेंड सेट, ओके। अगर आप यहाँ पे बी क्रॉस ए कर दो, ठीक है, देन इन दैट केस हियर इट विल बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए, जहां पे सेम ए इज फ्रॉम ए एंड बी इज फ्रॉम बी। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे बी क्रॉस ए कर दिया तो ऑर्डर्ड पेयर में बी ए आ गया, ठीक है। मीन बी पहले आ गया तो उसका एलिमेंट पहले है और ए बाद में आ गया तो उसका एलिमेंट बाद में है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए एंड देयरफॉर ए क्रॉस बी इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी सेट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए सेट एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर बी ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ओके, दिस विल बी नॉट इक्वल। और इसीलिए सेट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी क्रॉस ए, ये भी इक्वल नहीं रहेंगे, ओके, दिस विल बी नॉट इक्वल। लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल रहेंगे, और वो कितने रहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब इसका अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले ले, ए ले लीजिए सेट है ए बी, ठीक है, और बी सेट ले लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इसके एलिमेंट से आपको ए वन मिलेगा, बी वन, देन ए टू, बी टू, ए थ्री एंड बी थ्री, यू गेट दिस, ओके। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दिस विल टर्न आउट टू बी 6। लेकिन जहां पे आप बी क्रॉस ए फाइंड करोगे, बी क्रॉस ए फाइंड करोगे तो आपको 1 ए मिलेगा, 1 बी मिलेगा, 2 ए, 2 बी, 3 ए एंड 3 बी, आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे, ओके। स्क्रीन इज ब्लर, स्क्रीन बहुत ब्लर आ रहा है। अब देखिए देखिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बेटा, ये सारे नेटवर्क इश्यूज है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप फोन पे भी बात करते हो ना तब भी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से बात होती है और एकदम से फिर आवाज कटना शुरू हो जा रहा है, तो नेटवर्क इशू होता है, ठीक है। आप जिससे बात कर रहे हो वो भी अपने उसी जगह पे खड़ा है, आप जहाँ से बात कर रहे हो आप भी अपनी जगह पे खड़े हो, तो नेटवर्क इशू हो जाता है और कुछ नहीं है। वैसे ये है, नेटवर्क कम से होगा तो स्क्रीन ब्लर होगा। अब अगर आपका एक साथ सबका स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो इसका सीधा मतलब ये कि नेटवर्क मेरे यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और अगर सारे बच्चों का ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बच्चों का क्लियर एकदम स्क्रीन दिख रहा है और किसी का क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब फिर वो प्रॉब्लम उन पर्टिकुलर स्टूडेंट के केस में है, वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम होगा। तो ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, यही एक रीजन है कि मैं इसका रिकॉर्डिंग करता हूँ और रिकॉर्डिंग मैं आज अपलोड कर दूंगा। आज नहीं हुआ तो कल तक तो पक्का अपलोड हो जाएगा, ओके। तो आप लोग प्लीज थोड़ा निश्चिंत रहिए, ये जो भी चल रहा है ना ये आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो यार ए क्रॉस बी ए वन, बी वन, ए टू, बी टू, ए थ्री, बी थ्री, और जब बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी एंड 3 ए, 3 बी, ये आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट ए वन प्रेजेंट है और यहाँ पे एलिमेंट 1 ए प्रेजेंट है,
सो दीज आर नॉट इक्वल, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं, और 6 क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट है यहाँ पे तीन एलिमेंट है, 2 × 3 दैट गिव्स यू 6। ओके क्लियर, सो दिस इज अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट एंड जस्ट अ रिकॉलिंग, क्योंकि इसका वीडियो कल मैंने आपको भेज दिया था। ओके यस, एनी डाउट इन दिस? ओके देन मूविंग टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1 40 स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, बस एक्सरसाइज बहुत इजी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद क्वेश्चन 1 देन 5 8 7 9, ये क्वेश्चंस यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके 1 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 8 9 प्रेजेंट है। ओके क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यस, इसका डायरेक्ट आंसर कोई बता सकता है? आपसे कहा हुआ है कि ए में तीन एलिमेंट है और बी आपको एक सेट बना के दिया हुआ है, दैट सेट इज 3 4 5। क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन ए क्रॉस बी। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर आएगा 9। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड करोगे देन इट विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है और इसमें आप देख सकते हो 3 एलिमेंट है, 3 और 3 ये हो गया 9, सो देयर विल बी 9 एलिमेंट्स। थर्ड इजी है, आपका होमवर्क रहेगा, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, दैट इज अ इजी वन आपका होमवर्क। फोर्थ, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओ टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास? इसका मैं आपको पीडीएफ फाइल भी भेजना भूल गया हूँ। किस किस के पास इस वक्त ये मटेरियल नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक नहीं है और पीडीएफ फाइल भी नहीं है? पीडीएफ फाइल मैं इसके तुरंत बाद भेजूंगा, ये जैसे क्लास हो जाएगा मैं तुरंत भेज दूंगा। एट प्रेजेंट कोई है? प्रीति, प्रीति आपके पास टेक्स्ट बुक और पीडीएफ फाइल कुछ नहीं है इस वक्त? ओके, एनीवन एल्स बिसाइड्स प्रीति? मैं अभी भेज दूंगा, मतलब थोड़ी देर में ही, जैसे ये क्लास हो जाएगा ना मैं तुरंत आपको इसका पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। या फिर आप प्ले स्टोर में जाके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स करके ऐप है उसे आप डाउनलोड करके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो मैं भेज ही दूंगा, मैं डायरेक्ट ग्रुप में भेज दूंगा। ओके फोर्थ वन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि स्टेटमेंट फॉल्स है री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अब इसमें पहला दिया है पी इज इक्वल टू एम एन, P is equal to set containing M n and Q is equal to set containing N m. Okay. आगे दिया then P cross Q. It is equal to set containing ordered pair M n, ordered pair N m. This is given to you. अब बताइए क्या यह statement true है? Is this statement true? समा सिंह ट्रू, समा सिंह फॉल्स। ठीक है, जिनका आंसर फॉल्स आ रहा है मुझे ये बताइए फिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि इसमें दिया है कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स है देन री राइट द करेक्ट स्टेटमेंट।
बिल्कुल सही, ये फॉल्स है। जिन्होंने ट्रू लिखा है प्लीज जरा ध्यान दीजिए, ये है फॉल्स, फॉल्स है। और फिर करेक्ट स्टेटमेंट की, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पी क्रॉस क्यू जो रहेगा, पी क्रॉस क्यू जो है इट इज एम एन एन एम, ये दो आएंगे और दो एलिमेंट्स आएंगे, एम एम और एन एन और दो एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे टोटल दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी टोटल दो एलिमेंट्स है, तो पी क्रॉस क्यू में 2 × 2 फोर एलिमेंट्स आने चाहिए, और यहाँ पे जबकि एलिमेंट दो ही दिए, ये पहला ऑर्डर पेयर एम एन और दूसरा ऑर्डर पेयर एन एम, तो हमें दो और ऑर्डर पेयर चाहिए, तो उसमें एक ऑर्डर पेयर आपका ये है एम एम और दूसरा है एन एन। ओके क्लियर। देन सेकंड दिया है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब दोनों में कम से कम एक एलिमेंट होगा ही होगा। ओके इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई दिया है, मीन्स आपको दिया है कि ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, देन ए क्रॉस बी इट विल बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कंटेनिंग एलिमेंट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी दिया हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, आगे उनका कहना है कि ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आएंगे, एक्स वाई फॉर्म में आएंगे, जिसमें एक्स एलिमेंट ए का है और वाई एलिमेंट बी का है। इज इट ट्रू? यस आंसर इज ट्रू, ये ट्रू है। ओके एंड देन थर्ड गिवन टू यू इज थर्ड जो आपको दिया है, थर्ड दिया है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4, ए आपको 1 2 दिया है और बी दिया है 3 4। ओके क्लियर एंड गिवन टू यू देन देन कंक्लूजन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, दिस इज फाइव आपको ये दिया हुआ है, यस इज इट ट्रू? आंसर इज ट्रू। बी इंटरसेक्शन फाइव दिया है, इंटरसेक्शन कंटेन्स कॉमन एलिमेंट, ठीक है, मतलब इस इंटरसेक्शन में बी के और फाइव के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ओके इट विल कंटेन द कॉमन एलिमेंट। अब जब कॉमन एलिमेंट्स की बात होती है तो फाइव में तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट होने वाला नहीं है। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए क्रॉस फाइव, ठीक है। अब ए क्रॉस फाइव सीधे सीधे फाइव हो जाएगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स रहते हैं जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, लेकिन दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर बनेगा नहीं, और ऑर्डर्ड पेयर बनेगा नहीं इसलिए सेट बनेगा नहीं, यू विल गेट फाइव। सो आंसर इज ट्रू। ओके यस एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड? ओके फिफ्थ आपका ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यूट्यूब चैनल प्लीज देख लीजिएगा एक बार। सिक्स्थ इजी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। सेवन एट नाइन सॉल्व किया हुआ है। अब पीछे टेंथ क्वेश्चन आपको दिया है, मैं चाहूंगा कि ये सॉल्व करके आप लोग मुझे आंसर बताएं। आपको टेंथ क्वेश्चन में दिया है द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस ए हैज नाइन एलिमेंट, टेंथ में आपको दिया है कि ए क्रॉस ए है जिसमें है नौ एलिमेंट, हैज नाइन एलिमेंट्स। ओके अमंग विच आर फाउंड, अब दो एलिमेंट्स इसमें दिए हैं, इसके दो एलिमेंट ये दिए हैं, एक माइनस वन जीरो एंड एक दिया है जीरो, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ एक और बात है, फाइंड सेट ए दिया है,
तो आपको ए सेट क्या है वो बताना है, और फिर ए क्रॉस एक एक एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स क्या रहेंगे वो बताना है। गिवन टू यू, गिवन टू यू ए क्रॉस ए हैज टोटल 9 एलिमेंट्स, आउट ऑफ दोस 9 एलिमेंट्स मीन्स ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स आर -1 0 एंड 0 1। आपको सेट ए बताना है सबसे पहले, और उसके बाद ए क्रॉस ए रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने हैं। आप लोगों ने सेट ए बता दिया मतलब मुझे समझ में आ गया कि बाकी एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हो। यस करेक्ट, सेट ए आएगा सेट कंटेनिंग एलिमेंट -1 0 1। बहुत इजी है। ए क्रॉस ए के दो एलिमेंट्स आपको दिए हैं, सबसे पहले ए क्रॉस ए है तो पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा, लेकिन एक क्योंकि एक ही है मतलब दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां से एक एलिमेंट -1 है, एक 0 है, 0 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, बाकी बचा 1, तो 3 एलिमेंट -1 0 1 आ गए। ठीक है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट इसी हिसाब से होंगे क्योंकि 3 2 3 9 हो जाएगा। अब जब रिमेनिंग एलिमेंट की बात आएगी तो इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स होते ही, या फिर आप डायरेक्ट ए क्रॉस ए पूरा बना के दे दीजिए, वहां से आंसर आएगा -1 -1 आएगा, 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ। ठीक है, देन -1 0 -1 1, 0 -1 0 1, 1 -1 and 1 0। रिमेनिंग एलिमेंट बताना है, आप एक काम करो पूरा प्रोसेस सेट ही लिख दो। ठीक है, तो वो 7 एलिमेंट जो रिमेनिंग है वो भी आ गए, और जो 2 एलिमेंट पहले दिए थे वो भी आ गए, इससे आपका पूरा कंप्लीट हो गया एंड यू विल गेट द आंसर। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट में, और आगे का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेशन। अब कल आप लोगों को एक और वीडियो मैंने भेजा था, वो रिलेशन का था, वो वीडियो किसको किसको समझा? यस, जिन्होंने देखा है वो ठीक है, एनी डाउट इन डैट? मेरा क्वेश्चन वो है, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ये यस सर मेरे वॉइस के लिए। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन, हैव यू सीन दिस वीडियो? अब आप इसका यस और नो दीजिए, हैव यू सीन दिस वीडियो? अब सिर्फ यस नो आंसर आएगा इस वीडियो के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। वैसे आपको लोगों को देख लेना चाहिए था क्योंकि मैंने नीचे लिखा था दीज टू वीडियोस आर मस्ट वॉच वीडियोस। ठीक है, तो एक्चुअल आपको देखना चाहिए था, बट ठीक है। अब जिन्होंने इस वीडियो को देखा है उनको कोई डाउट? ओके, नाउ सी व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन का सबसे सिंपल और बेसिक
डेफिनेशन है. ओके, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट. बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है. व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है उसका जो सबसेट आएगा दैट इज द रिलेशन. अब देखिए एग्जांपल, ए आपका सेट है एक्स वाई जेड, ठीक है, और बी सेट है 1 2 3. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री जेड वन जेड टू जेड थ्री. ओके, दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस बी. ओके, नाउ सी दिस, यू आर हैविंग आर वन एक्स वन वाई टू जेड थ्री, यू आर हैविंग आर टू x1, y2, z1, x3, y3, okay, you are having r3, x2, x3, y1, y3, z2, okay, you are having this. अब ये तीनों सेट्स के लिए आप ये कह सकते हो दैट आर वन इट कंटेन द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी. मीन्स क्लियरली आर वन क्या है? इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, यू कैन से सेम फॉर आर टू. आर टू क्या रहेगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यू कैन से सेम फॉर आर थ्री. आर थ्री क्या रहेगा? इट विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. देन ऑल दीज थ्री आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय दिस R1 A arrow B. Okay, or you can say R2 A arrow B, R3 A arrow B. In short, relation R A arrow B read as relation R from A to B. Okay, relation R from A to B. Or ye kab hoga? When R is subset of A cross B. Ye kab hoga? When R is subset of A cross B. Okay, clear? बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है रिलेशन का. व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट. दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, आपने उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट फाइंड किया. ओके, और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट फाइंड करने के बाद आपने ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स देखे जो ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं, तो वो जो सेट रहेगा वो सेट रहेगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और उस सेट को कहा जाता है दैट इज द रिलेशन फ्रॉम A to B. ओके, सबसे पहले इसमें कोई डाउट? ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ऑफ फंक्शन. अब हम रिलेशन के आगे के कॉन्सेप्ट में चलते हैं. ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग, ये जो रिलेशन है इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी रहते हैं. ठीक है, अब वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहेंगे वो देख लीजिए. देयर आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो. ओके, जैसे अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो ये देखिए, ये है सपोज सेट ए और ये है सेट बी. सेट ए के एलिमेंट है एक्स वाई जेड और यहां पे 1 2 3. ओके, अब आर वन में एलिमेंट प्रेजेंट है एक्स वन. ठीक है, यहां पे ये रिलेशन है आर वन. आर वन में एलिमेंट है एक्स वन, तो यहां एक्स से एरो वन की तरफ जाएगा, वाई टू वाई से एरो टू की तरफ, और जेड थ्री जेड से एरो थ्री की तरफ जाएगा. ओके, इसी तरह से अगर हम अगला कंसिडर करें, this is a, this is b, relation r2, relation r2,
एक्स वाई जेड 1 2 3। ठीक है, अगर हम आर टू की बात करें, एक्स वन प्रेजेंट है तो फ्रॉम एक्स एन एरो वाई टू जेड वन, ठीक है, एक्स थ्री एंड वाई थ्री, वी गेट दिस। ओके, ये आ गया। और ऐसे अगर आप ये फाइंड आउट करोगे आर थ्री, तो एक्स एरो टू की तरफ जाएगा, एक्स एरो थ्री की तरफ जाएगा, वाई से एरो वन की तरफ, वाई से एरो थ्री की तरफ, और जेड से एरो टू की तरफ जाएगा। तो इन्हें कहा जाता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट में, विच इज डोमेन एंड रेंज। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, आप सपोज कीजिए कि ये आपका एक रिलेशन है आर, ठीक है, इट कंटेन दीज एलिमेंट एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू वाई थ्री। सपोज रिलेशन आर वन, ओके, एक और रिलेशन है आर टू, सपोज इट कंटेन्स एक्स वन एक्स टू वाई थ्री जेड वन जेड टू, और दिस इज वन सपोज। ठीक है, नाउ सी, इस रिलेशन को अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हमें ये मिलेगा, दिस इज एक्स वाई जेड 1 2 3, ए बी रिलेशन आर वन। एक्स एरो वन की तरफ जा रहा है, एक्स एरो टू की तरफ जा रहा है, वाई से एरो वन की तरफ जा रहा है, वाई से एरो टू की तरफ जा रहा है, और वाई से एरो थ्री की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस केस में आप नोटिस कर सकते हो जेड एक ऐसा एलिमेंट है जहां से कोई भी एरो नहीं निकल रहा है, मीन्स यहाँ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जेड वाला, means Z element is not related to any of the element in B. Okay, clear? तो जो एक्स वाई एलिमेंट है जहां से एरोस निकल रहे हैं, मतलब एक्स वाई जो एलिमेंट है, ठीक है, इनसे एक सेपरेट सेट बनेगा इन दोनों से, ठीक है, ये सेट, और इस सेट को कहा जाएगा डोमेन ऑफ R. इस सेट को कहा जाएगा डोमेन ऑफ R. जहां तक रेंज की बात है, जहां तक रेंज की बात है, रेंज हम यहां पे देखेंगे किस किस एलिमेंट पे एरो आ रहा है। ओके, किस किस एलिमेंट पे एरो आ रहा है, यहां हम नोटिस कर रहे हैं कि तीनों एलिमेंट्स पे एरो आ रहा है। तो जहां तक रेंज की बात है, रेंज ये रहेगा, रेंज ऑफ आर। ओके, दिस इज डोमिनेंट रेंज। अब इन शॉर्ट अगर यहां से समझना है, ठीक है, हमने डायग्राम नहीं बनाया, यहां से समझना है, ठीक है, तो डोमेन क्या है? Domain of relation R is the set of all first elements of ordered pairs present in R. R आपका relation है, अगर आपको उसका domain find करना है तो domain क्या रहेगा? It is the set या collection of all the first elements of all the first elements of ordered pairs. यहां ordered pair x1 दिया है तो इसका पहला element x, एक्स टू दिया है पहला एलिमेंट एक्स, वाई वन दिया है पहला एलिमेंट वाई, वाई टू दिया है पहला एलिमेंट वाई, वाई थ्री दिया है पहला एलिमेंट वाई। तो कलेक्शन में हमें क्या मिला? इन दोनों में से एक्स आ रहा है, रेपिटेशन तो करना नहीं, एक ही लिखेंगे, और इन तीनों में से वाई आ रहा है पहला एलिमेंट, तो वाई, एक्स एंड वाई, दिस फॉर्म्स द डोमेन। जेड नहीं आएगा क्योंकि जेड यहां किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा है। ऐसे ही रेंज क्या रहेगा? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ओके, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन द रिलेशन आर। इस रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, इनके जो सेकेंड एलिमेंट है, यहां सेकेंड एलिमेंट वन है, यहां टू है,
यहाँ फिर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है. ओके सो बाय दैट वे रेंज विल बी 1, 2, 3. ओके एनी डाउट इन दिस? ये हो गए इनके डोमेन एंड रेंज. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. ओके ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए जो रिलेशन आर टू है. नाउ क्वेश्चन टू ऑल, ये जो रिलेशन आर टू है इसमें डोमेन क्या होगा? व्हाट विल बी डोमेन ऑफ रिलेशन आर टू? यस, डोमेन ऑफ रिलेशन आर टू विल बी एक्स वाई जेड. इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट एक्स है तो एक्स आ गया. इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट एक्स है, एक्स तो ऑलरेडी आ चुका है नो डाउट. इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट वाई है, वाई आ गया. और इन दोनों में ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट जेड है तो जेड आ गया. ठीक है, व्हाट विल बी रेंज? पहला आंसर 1, 2, 3 आया, वो गलत है. यस, व्हाट विल बी रेंज? यस, 1, 2. इसमें ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट 1 है, इसमें ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट 2 है, इसमें फिर से 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है. ठीक है, तो 1, 2 आएगा. अब इस केस में कहीं भी 3 रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए 3 रेंज में नहीं आएगा. ठीक है, क्लियर? तो ऑर्डर पेयर जो दिए हैं उसमें जो पहले एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे, कलेक्ट करोगे तो डोमेन बनेगा. जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन्हें कलेक्ट करोगे तो वो रेंज रहेगा. ठीक है, अब एक और वर्ड आता है कोडोमेन. कोडोमेन क्या रहेगा? ठीक है, यहां पे आपने ए क्रॉस बी लिया है, मतलब ये जो रिलेशन आर वन है, दिस आर वन इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. और वैसे ही आर टू जो है, आर टू इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इन जनरल जो रिलेशन आर रहता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो दूसरा सेट रहता है, इस दूसरे सेट को नाम दिया गया है कोडोमेन. ओके, इस दूसरे सेट को नाम दिया गया है कोडोमेन. ठीक है, तो डोमेन वो हुआ जो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट बनेगा, वो डोमेन. ठीक है, अब वो हो सकता है पूरा ए रहे, जैसे इसमें पूरा ए है आर टू वाले के केस में, एक्स वाई जेड आ रहा है, पूरा ए हो सकता है. ठीक है, या फिर उससे कम एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे आर वन में है. ठीक है, लेकिन कंपल्सरी जो दूसरा सेट है उसे कंपल्सरली को डोमेन कहा जाएगा. ठीक है, एलिमेंट जिनके साथ पहले सेट के एलिमेंट्स रिलेटेड है उन्हें कहा जाएगा रेंज. अब इस केस में रेंज ये है पूरा, और इस केस में रेंज में सिर्फ, सॉरी, इस केस में रेंज में सिर्फ 1 और 2 आ रहा है. ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट? इसमें सिर्फ इतना याद रखो कि दूसरा सेट जो रहे ना उस पूरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है, बस. हाँ आयुष, क्या डाउट है? दूसरा सेट जो है ना उससे पूरे को कोडोमेन कहते हैं. रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी है. हाँ कहिए. आर टू सेट नहीं, आर टू तो खुद रिलेशन है. आर वन इज फ्रॉम ए टू बी, जो ये बी है ना ये पूरा कोडोमेन है. वैसे आर टू भी एक रिलेशन था, आर टू इज फ्रॉम ए टू बी, तो जो बी है ना वो पूरा कोडोमेन है. मीन्स इन शॉर्ट कोई रिलेशन है उसे हम कहें इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन क्या है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट. तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का जो दूसरा सेट है ना उसका नाम कोडोमेन. ठीक है, उसका सीधे सीधे नाम कोडोमेन. ओके, यस, एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? बी कोडोमेन है, बी इज द कोडोमेन ऑफ रिलेशन. डोमेन जो है वो भी रिलेशन आर का, रेंज है वो भी रिलेशन आर का, कोडोमेन है वो भी रिलेशन आर का. यस, एनी अदर डाउट? इफ यू हैव प्लीज आस्क.
दूसरा सेट सीधे सीधे कोडोमेन, पहले सेट के वो एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट है वो डोमेन, दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में प्रेजेंट है उनका सेट बनेगा वो है रेंज। ठीक है, अब एक और बात, रेंज में जो एलिमेंट्स रहते हैं मतलब ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट, उनको एक और नाम दिया गया है और वो नाम है इमेज। उन्हें एक और नाम दिया गया और वो नाम क्या है, इमेज। ओके, मतलब इन जनरल अगर कोई एलिमेंट x कॉमा y है विच इज प्रेजेंट इन द रिलेशन R, R इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के रहते हैं, इसीलिए रिलेशन R का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रिलेटेड टू y, ये एक लिखने का नोटेशन है, वी कैन राइट दिस एज x रिलेटेड टू y, और इस केस में y जो है y को कहा जाता है y इज इमेज ऑफ x, y इज इमेज ऑफ x। ओके, जैसे यहां पे अगर हम कहेंगे 1 इज इमेज ऑफ x, यहां कहेंगे 2 इज ऑल्सो इमेज ऑफ x, यहां कहेंगे 1 इज इमेज ऑफ y, 2 इज इमेज ऑफ y, 3 इज इमेज ऑफ y। ओके, the collection of all these images is range, the collection of all these images is range, matlab second element ko ek special naam diya gaya hai image, image of first element, image of first element, to jo first element hai unka collection banayega domain, jo second element hai unka collection banayega range। okay, yes, any doubt in domain, codomain, range, image?